हेलो फ्रेंड एंड वेलकम टू अवेयरनेस। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले। तो फ्रेंड, मैं इंडियन स्टेट का एक सीरीज स्टार्ट किया हूँ जिसका पहला स्टेट है बिहार, और बिहार से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट और बेसिक इन्फॉर्मेशन कवर किए गए हैं। वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन है और देखते हैं आप बिहार के बारे में कितना जानते हैं, और आंसर कमेंट करें, और जिनका भी आंसर सही रहेगा उनका नाम मैं अगले वीडियो में लूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले नेबरिंग स्टेट देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल। ये तीनों स्टेट बिहार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, और एक कंट्री है जो कि नेपाल के साथ बिहार का बॉर्डर लगता है। अब मैप में देखते हैं, वेस्ट पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण साउथ में झारखंड, और ईस्ट पूर्व में वेस्ट बंगाल, और नॉर्थ में नेपाल के साथ बिहार का इंटरनेशनल बॉर्डर है। बिहार में टोटल 38 जिले हैं, और डिवीजन जिसे प्रजामंडल या प्रमंडल भी कहा जाता है वो 9 है, जो कि ये पटना, तिरहुट, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और मगध। टोटल 9 प्रमंडल डिवीजन का जिले का मैप है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जो कि जेडीयू पार्टी से हैं, और यहाँ के गवर्नर फागू चौहान हैं, और यहाँ के डिप्टी सीएम तार किशोर प्रसाद और रेणु देवी, और दोनों बीजेपी से हैं। और विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर विजय कुमार सिन्हा, और चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाईकोर्ट संजय कारोल। बिहार में बाइकैमरल है, बाइकैमरल मतलब दो हाउसेस, जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा और विधान परिषद। और विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल 243 सीट है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद में 75 सीट है, और लोकसभा सीट 40 और राज्यसभा सीट 16 है। अब चलते हैं, देखते हैं बिहार के राजकीय पशु, जो कि गौर मिथुन है। ये पक्षी हाउस स्पैरो है। राजकीय फूल ऑर्चिड ट्री, राजकीय फल मैंगो, और राजकीय वृक्ष पीपल। और ये बिहार सरकार का एम्बलम है, जिसमें बोधि ट्री, स्वास्तिक और प्रेयर बीड्स, प्रेयर बीड माला होता है जिसे सारे धर्म के लोग अपनी प्रार्थना के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब बिहार के कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज देख लेते हैं, पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, और यहाँ की प्रमुख नदी है गंगा, कोसी, गंडक, सोन, और कोसी को बिहार का सौरव भी कहा जाता है। और बिहार की प्रमुख नदी गंगा है, और पटना जो बिहार की राजधानी है वो गंगा नदी के किनारे में ही बसा हुआ है। अब बिहार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जीआई टैग देख लेते हैं। जीआई टैग का फुल फॉर्म है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन उस चीज को मिलता है जो उस एरिया का सबसे यूनिक चीज है, वो दूसरे जगह पे ना पाया जाए। और बिहार का इंपॉर्टेंट जीआई टैग है मधुबनी पेंटिंग, भागलपुर सिल्क, कतरनी राइस, जरदालू मैंगो, जो कि बिहार का स्टेट फ्रूट भी है, और मगही पान। बिहार के इंपॉर्टेंट फोक डांस देख लेते हैं, डोमकद, जाट जटिन, विदिशा, यहाँ पे झुमरी होगा, झुमरी, कजारी और फग। और बिहार के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क वाल्मीकि नेशनल पार्क, और ये टाइगर रिजर्व के लिए भी फेमस है, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कन्वर लेक बर्ड सेंचुरी, विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और बिहार के कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस देख लेते हैं जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और इसे मैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के पार्ट में अच्छे से कवर किया हूँ, और ये बोध गया है और नालंदा यूनिवर्सिटी। तो फ्रेंड, ये रहा बिहार से रिलेटेड कुछ बेसिक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब चलते हैं अपने क्विज की ओर, और आज का क्वेश्चन है, इन विच ईयर उड़ीसा वाज सेपरेटेड फ्रॉम बिहार। कौन से साल में उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था? बंगाल से अलग हुआ था 1912, ये सब जानते हैं, पर उड़ीसा से बिहार कब अलग हुआ था इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और ऑप्शन है 1935, 1934, 1936 और 1937। तो फ्रेंड, कैसा लगा आज का सेशन? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगले पार्ट में किसी और स्टेट के बारे में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।